हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कविता किचन में आपका स्वागत है। आज बन रहा है कविता किचन में कस्टर्ड केक, सुपर सॉफ्ट एंड स्पंजी। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेढ़ कटोरी मैदा है, आधा कटोरी कस्टर्ड पाउडर है वनीला, और एक चम्मच मतलब टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और देसी घी है आधा कटोरी, एक कटोरी पाउडर शुगर, और जितना दूध पड़ेगा बाद में कंसिस्टेंसी देखने के हिसाब से एक कटोरी दूध है। और ये मैं टूटी फ्रूटी की जगह मैं डालूँगी, ब्लैक किशमिश है और ये काजू हैं, और ये हैं मेरे बीज जिनको मैं ऊपर से सजा दूँगी गार्निशिंग के लिए। चलिए सबसे पहले हम इसे मैदा छान लेते हैं। डेढ़ कटोरी मैदा है, बेकिंग सोडा आधा कट चम्मच, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, इनको एक साथ छान लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। छानना जरूरी है, ये आपस में मिक्स भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और कोई यदि इसमें गांठ है तो वो निकल जाती है। और ये चीनी और घी को मैं मिक्सी में चलाऊंगी तो वो बहुत अच्छे से, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसे विस्कर से करने की। ये आधा कटोरी मेरा देसी घी है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब इसको मिक्सी को चला लेते हैं। केक टिन को भी घी लगा के हल्की सी मैदा से डस्ट कर लेंगे इसे। तब तक मैंने गैस पे अपना भगोना चढ़ाया हुआ है जिसमें मुझे ये केक टिन रखना है, वो गर्म हो रहा है तो तुरंत हमें उसमें रखना है। इसे अच्छे से चारों तरफ डस्ट कर लेंगे। यदि आपको बटर पेपर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। दूध, घी और चीनी, ये देखिए इसको अब हम इसमें करते हैं। मैंने एक पिंच कलर भी डाल लिया है तो उससे कलर ना केक का और भी अच्छा जाएगा। अब इसे हम बैटर में डालते हैं, इसको हम बैटर में डालेंगे। एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल, ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, हमें दो तीन चम्मच दूध और डालना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है, ये रिबन वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ये देखिए। बस अभी इसे फटाफट केक टिन में रखते हैं, और गैस पे जो मेरा भगोना तैयार है नमक डाल के जाली लगा के उसमें रखते हैं, लेकिन पहले अंदर हम इसमें ये किशमिश और काजू डाल देते हैं। किशमिश तो हम सारी ही अंदर डाल देंगे, ये बस इसको रखते हैं। हल्का सा टेप करेंगे और ऊपर से थोड़े से बीज डालेंगे और इसको हम रखते हैं। इसको हल्का सा टेप कर देते हैं, जो भी इसमें एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे। और अब इसमें हम ये डालते हैं थोड़े से बीज, ये मगज है, ये खरबूजे के बीज नहीं है, ये तरबूज के बीज होते हैं। चारों मगज में एक मगज होती है तरबूज के बीज, ये केक वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें हम थोड़े से काजू भी डालते हैं। चलिए इसे अब हम रखते हैं गैस पे रखे हुए अपने गरम पतीले में। ये लीजिए,
और अब इसको हम ढक देते हैं और 20 मिनट 25 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। केक को मैंने खोल दिया है, 30 मिनट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा फूल के बिल्कुल ऐसा हो गया कुप्पा, बीच में से थोड़ा फट भी गया है फूलने की वजह से। चलिए ठंडा होने देते हैं इसको, फिर मोल्ड से निकालेंगे। सुपर सॉफ्ट स्पंजी कस्टर्ड केक बनके तैयार हो गया, ये देखिए जरा कितना स्पंजी बना है। बनाइए, खाइए और खिलाइए, और बच्चे का जन्मदिन है तो उसी से कटवा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। अगली रेसिपी तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।